अगर आप इस स्पीड पे ओवरटेक कर रहे होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ये देखिए, मतलब मैं नॉन टर्बो के साथ में भी ये काम अच्छे से कर पा रहा हूँ। कंपनी बोलती है 10 सेकंड में ये 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। चलो देखते हैं। किसी भी गाड़ी की सफलता का पूरा दारोमदार उसके परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। तो इसमें जो 1.2 लीटर का इंजन लगा हुआ है, जो कि नॉर्मल इंजन है, नॉन टर्बो है, किस तरीके से परफॉर्म करता है, यही आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आपको मैं एक एक चीज़ अपने इस ड्राइविंग एक्सपीरियंस के साथ बताऊँगा, बैठने में कैसी है, किस तरीके से चलाने में है, क्या माइलेज कंपनी ऑफर करती है और कितना माइलेज इस पर मिल सकता है, ये सब कुछ मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा। अगर आप किसी जगह से ऐसी निकलते हैं गाड़ी लेकर जहाँ पर उबड़ खाबड़ सड़कें हैं, वहाँ पर कैसे परफॉर्म करती है, सिटी में कैसे परफॉर्म करती है, ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट ड्राइव क्या रहता है, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। तो खरीदने से पहले मुझे लगता है ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए। अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है जिसकी कंपनी अब इंडिया में नहीं है और आपको उसके पार्ट की सख्त ज़रूरत है, तो budmo.com जो कि स्पेयर पार्ट बेचने वाली एक भारत में कंपनी है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको पार्ट समझ में ना आए तो 10 दिन के अंदर आप पूरा रिफंड भी पा सकते हैं। इसका पूरा लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपकी ज़रूरत है तो यहाँ से तुरंत बुक करें, आपको क्वालिटी पार्ट्स अवेलेबल मिलेंगे। तो चलिए चलाकर देख लेते हैं इस सिट्रियन C3 को, जिसमें जो इंजन लगा हुआ है ये 1.2 लीटर का पेट्रोल है और 82 PS की शक्ति देता है और 115 Nm का इसका टॉर्क निकलता है। अच्छी बात यह है कि जहां मैं इसे ड्राइव कर रहा हूं वहां बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो बरसात में कैसे चलेगी ये भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो एक काम करता हूं, पहले रोकता हूं इसे और इसका पिकअप देखते हैं कि क्योंकि जो कंपनी बोलती है 10 सेकंड में ये 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। चलो देखते हैं। तो क्या है, जीरो पे है, यस भगाते हैं और ये फर्स्ट गियर में अब डिमांड आया है और ये करते हैं, इस पे आ गया 42 के आस पे सेकेंड में और 50 पे आ गया थर्ड, फोर्थ पे आ गया है, ठीक है। और अब इसे करते हैं, सब कुछ हो गया, अभी मेरा 100 की स्पीड नहीं आई है, वो भी बताता हूँ मुझे, क्योंकि जिस रास्ते पे चला रहा हूँ बहुत उबड़ खाबड़ है, तो एक डिसेंट पिकअप मिल रहा है। हालांकि इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं लगने वाला है आपको इंजन, जिस तरीके से ये होना चाहिए वो इंजन इसमें मिला है। सबसे अच्छी चीज़ ये लग रही है जो टायरों का ग्रिप है वो अच्छे से आ रहा है, मतलब इस कंडीशन में भी मुझे ग्रिप में कोई इशू नहीं नज़र आ रहा है इस गाड़ी के, तो ये अच्छी चीज़ है। और वाइपर अच्छे से काम कर रहे हैं इसके, मतलब ये और अच्छी बात है मुझे इस गाड़ी की अच्छी लगी है। रियर वाइपर इसमें नहीं दिए गए हैं, रियर वाइपर मुझे अभी तक कहीं नज़र नहीं आए हैं, तो इसमें रियर वाइपर नहीं दिया गया है। तो इसका जो शुरुआती इनिशियल पिकअप है, यहाँ पर आपने देख लिया, टूटे फूटे रास्ते पर मैंने इसे ड्राइव किया है और बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल नहीं हुई है यहाँ पर ये गाड़ी। और अब थोड़े खुले रास्ते आ गए हैं, खुले रास्ते पर लेके चलते हैं इसे, देखते हैं कि यहाँ पर मतलब आगे एक बेल पे रोड दिख रही है, यहाँ पे देखते हैं कितने टाइम में पकड़ती है इस 0 to 100। तो चलिए, यस, टैक्स सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो काफ़ी डिस्टेंस जाता है, मतलब ये नहीं कि आप फटाक से कर सकते हैं। और जहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक ट्विस्टी रोड है, सीधी रोड होता तो शायद मैं आपको करके भी दिखाता, जल्दी हो जाता, बट अभी एक रोड और आ रही है वहाँ पे हम ट्राई करेंगे। इस पे एक ये रोड है, बट ठीक है, नहीं भी करेंगे चलेगा, क्योंकि कभी मौका मिलेगा सीधी रोड पे, गोवा में सीधी रोड नहीं मिलती है ज़्यादातर, तो यहाँ पर इस तरीके से इसका परफॉर्मेंस मुझे मिल रहा है। जो सबसे कंफर्टेबल स्पीड लग रही है इस गाड़ी की, वो बता देता हूँ, ये अपने कंफर्टेबल स्पीड पर ही चल रही है। अगर आप स्पीड पर चलाएंगे 80 से 90 के बीच में इसे रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने होने वाली है। और यहाँ पर आपको माइलेज, जो कंपनी 19.8 किलोमीटर प्रति लीटर के माइलेज का दावा करती है, वो भी आपको इससे मिल सकता है। डिपेंड करता है आप ड्राइव कैसे करेंगे, लेकिन इसका जो अंदाज़ है, क्योंकि एक इसमें ऊँचाई आपको मिलती है, SUV वाला फील मिल रहा है, कंपनी ने इसे SUV नहीं बोला है, लेकिन एक अंदाज SUV वाला इसे मिलता है। अच्छी बात और भी है, लोग इसे मुड़ के भी देख रहे हैं। विजिबिलिटी की बात करेंगे तो इतने बरसात में मुझे अच्छी विजिबिलिटी मिल रही है, इसके IRVM से मैं पीछे आराम से देख सकता हूँ, पूरा सब कुछ आ रहा है। डिफॉगर होता पीछे तो और ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन वो नहीं दिया गया है, तो बरसात में इशू हो सकता है। ORVM पे अच्छे से व्यूइंग एंगल मिल रहा है सामने, जो मुझे अच्छे से सब कुछ नज़र आ रहा है। A पिलर कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है, डैशबोर्ड एक अच्छा
लगता है मतलब अगर आप अपने हिसाब से, क्योंकि इसमें कुछ कस्टमाइजेशन के भी विकल्प देते हैं, आप चुन लेंगे तो वो भी आपको अच्छी चीज़ें लगने वाली हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम काफ़ी अच्छे से मतलब आपके हाथ में है, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं जो भी करना है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिल जाता है तो ये भी अच्छा लगेगा। हालांकि ऑटोमेटिक एसी होता तो अच्छा रहता, बट इसमें दिया नहीं गया है, मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। कूलिंग बहुत अच्छी है, ये चीज़ बहुत अच्छा लगने वाला है। और कुछ इस तरीके का अगर सामने एंगल व्यू हो तो आपको और ज़्यादा मज़ा आता है। ओवरटेकिंग कोई इशू नहीं है तो आराम से ही कर जाती है, लेकिन जब आप हाई स्पीड पर ओवरटेक करोगे तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। सस्पेंशन सेटअप इंडियन कंडीशन के हिसाब से अच्छे हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि जब उबड़ खाबड़ रास्ते से निकाल रहे थे तो ऐसा नहीं हो रहा था कि बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रही थी ये गाड़ी, तो वहाँ पर ये चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी जमी है, बहुत अच्छी लगी है। तो कुल मिलाकर ये बहुत अच्छे से मुझे अपनी तरफ इम्प्रेस कर रही है। सीट की साइज़ जब मैं चला रहा हूँ तो मुझे थोड़ी छोटी लग रही है, मुझे लग रहा है कि जैसे मेरा पैर ऐसे होता है तो लगता है कि भैया सीट ख़त्म हो रही है, बट हाँ यही सीट आपको मिलने वाली है। इससे पता चलता है कि ये बजट कार के तौर पर यहाँ पर कंपनी से इंट्रोड्यूस कर रही है। स्टीयरिंग का फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है, और जहाँ पर टर्न कर रहे हैं वहाँ पर बहुत अच्छे से अपना ये काम कर रही है। और अच्छी बात है, यहाँ पर अगर RPM एडजस्ट करना है तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिकली नहीं दिया गया, आप यहीं से एडजस्ट करना है। चारों पावर विंडो मिलते हैं, दो आप यहाँ से सामने वाले एडजस्ट कर सकते हैं और नीचे आपको दे दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो आप पूरा का पूरा इसे एडजस्ट कर सकते हैं। कंफर्ट की अगर बात की जाए तो मैं इस गाड़ी को पीछे बैठ के चलने के लिए कभी नहीं खरीदूंगा, अगर मुझे कभी चलाना हुआ तो ज़रूर से मैं प्रेफर करूंगा। लेकिन इंजन से जो आवाज़ बाहर निकल रही है वो केबिन का इंसुलेशन नहीं ख़राब कर रही है, तो ये एक रिफाइनमेंट भी थोड़ा बहुत आपको समझ में आने वाला है। अगर आप हायर स्पीड पर जाओगे तो वहाँ पर आपको लगेगा कि एक मतलब 90 के बाद में एक तनाव दिखना शुरू होता है इस गाड़ी में। टर्बो कैसा परफॉर्म करता है वो टर्बो जब चलाएंगे तो वहाँ पर उसका जिक्र किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर इस गाड़ी से मुझे कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, मुझे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका बहुत अच्छा लग रहा है, इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ऊपर नीचे कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर जो डिजिटली आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये भी बसा रहता है आँखों में, तो सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से देख सकते हैं और ये मज़ा आने वाला है। और थोड़ा सा ट्रैफिक आ रहा है, तो यहाँ पर जब ट्रैफिक आया तो ट्रैफिक वाला जिक्र कर सकते हैं। इनके पीछे चलेंगे और बताएंगे आपको किस तरीके से अगर मुझे पीछे चलना हुआ तो कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है। साउंड सिस्टम इसका कैसा है उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, तो उसे मेरे इंस्टाग्राम पर सुन के चले जाइएगा कि किस तरीके से परफॉर्म करता है इस Citroen C3 का साउंड सिस्टम। तो देखिए, ओवरटेकिंग की बात की थी, अगर आप इस स्पीड पर ओवरटेक कर रहे होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये देखिए, मतलब मैं नॉन टर्बो के साथ में भी ये काम अच्छे से कर पा रहा हूँ। तो अगर आप लोअर स्पीड पे ओवरटेकिंग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस गाड़ी में, और ये आपको मज़ा लगेगा, यहाँ पर अच्छा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप इस ट्रैफिक के पीछे चलना चाहेंगे, धीरे धीरे चलते रहिए, बेशक ये मैनुअल है, वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर इस गाड़ी के फेवर में बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। आफ्टर सेल्स नेटवर्क कैसा होगा, इनका सर्विस नेटवर्क कैसा होगा, क्योंकि एक्सपेंशन प्लान बहुत सारे हैं और इनका सर्विस ऑन व्हील भी है, जो कहीं भी आप बुला सकते हो, उसके लोग एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं करते, ऐसा कंपनी ने दावा किया है। 2 साल 40,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी के साथ आती है, RSA वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो मुझे लगता है जो बेसिक चीज़ें थी सब कुछ कंपनी ने ऑफर कर दी हैं। ये आने वाले टाइम में जब आप खरीदेंगे इस गाड़ी को, तब आप भी मुझसे साझा करेंगे अपनी बातों को, तो वहाँ पता चलेगा एग्जैक्टली कि इस गाड़ी ने कैसे परफॉर्म किया और क्या लोगों को पसंद आई या नहीं। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं जिनकी अर्निंग कम है, उनको एक गाड़ी चाहिए, मुझे लगता है उसी को टारगेट किया है Citroen ने। और ये एक यंग बोलते हैं ना, युवा लोगों की पसंद बन सकती है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी गई हैं। तो कुल मिलाकर इस गाड़ी ने मुझे इम्प्रेस किया है। कुछ कुछ चीज़ें थी उसका जिक्र अभी करना जल्दबाजी भी होगा कि भैया बोलो कि मुझे ये चाहिए थे, मुझे ये चाहिए था, नहीं मिला है, तो सही नहीं रहेगा। थोड़े वक्त में बहुत सारी चीज़ें, और अपने आप जैसे वक्त बीतेगा ना, बहुत सारी चीज़ें सामने आती चली जाएंगी। तो मेरा एक्सपीरियंस फिलहाल इतना ही। चलते चलते बता दूं, ब्रेकिंग बाइट्स भी सही आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये अपनी जगह पर जहाँ पर आप इंटेंड करते हैं वहीं से मुड़ती भी है, और जहाँ आप इंटेंड करते हैं वहीं पर ये रुकती भी है, तो ये दो चीज़ें इसके फेवर में रहने वाली हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये ड्राइव रिव्यू आपको पसंद आया होगा। फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस बोलिए, रिव्यू नहीं, रिव्यू बाद में आएगा जब इसे चला लूँगा, क्योंकि सिर्फ 50-100 किलोमीटर चला के क्या ही रिव्यू करेंगे, सिर्फ हम इसको बता सकते हैं भैया हमें चलाने में कैसा लगा। बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे जब हमारे पास आएगी, थोड़ा लंबाई से चला लेंगे, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन C5 Aircross के जरिए शुरुआत करने वाली Citroen ने एक बड़ा साहसिक कदम उठाया है, और उससे देखकर लगता है कि उसने देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी को टारगेट किया है। क्या इसकी सफलता उसे मिलेगी या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल गोवा से इतना ही, फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अपना बहुत सा ध्यान रखिए।